नगर परिषद द्वारा अलवर में बिजली घर के आसपास अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की गई। इस दौरान पटरी पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। यहां नगर परिषद की कार्यवाही से पीड़ित अपने सामान को छुड़ाने की गुहार करते रहे, लेकिन परिषद कर्मचारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। ये महिला है जो पटरी पर बैठकर मजदूरों के लिए रोटी बनाती है और अपने परिवार का गुजारा करती है। आज नगर परिषद ने उससे उसका दो पैसे कमाने का जरिया भी छीन लिया। ये आंसू और रोना चिल्लाना उसकी बेबसी को बयां कर रहा है। बिल्कुल गरीब आदमी को तंग कर रहे हो, कोई कमाए घर नहीं देता, बड़े बड़े आदमी को छेड़ते नहीं, बिल्डिंग ठोक रखी है उन्होंने, उनसे दबाव लग रहा है इनको। आने वाली सरकार, मतलब आने वाली सरकार को हम जवाब देंगे, पैर से अपाइज में और बूढ़ा आदमी। हम फुटपाथ के ऊपर बैठे हैं, अब तो नाला के ऊपर लगा रखी है, पहले नीचे लगाते थे तो तंग करते अतिक्रमण वाले। चूड़ी मार्केट है, जैसे कटला है, बड़ी दुकानें हैं, वहाँ जाए नहीं, हमारे गरीबों को क्या देते हैं? हमारे पास छोटे छोटे बच्चे, तीन चार बच्चे कैसे पाले हैं? नहीं, सरकार की जगह थी दे दी तो नू तो रहे, उनको तो गवर्नमेंट सैलरी दे देती है, हमारे को कौन देगा? हम क्या, हमारी तो हम 800 किस्त उठा रखी है, अगर किस्त नहीं देंगे तो किस्त वाले हमारे बच्चे उठा के ले जाएंगे क्या? उनको सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। तो सरकार क्या ध्यान नहीं दे रही? कुछ भी नहीं दे रही, पेंशन भी नहीं दे रही। सरकार क्या जाएंगी? सरकार क्या गरीबों को हटा रही है? गरीबों को हटा रही है, अमीरों को हटाया, जब जाने हम सरकार है ये। अच्छा, अधिकारियों को भी हाथ जोड़े पैर पकड़े उन्होंने? रोज हाथ जोड़ते हैं, नहीं सुनी उन्होंने? कोई भी ना सुना, आज का जमाना। सामान ले गए सारा उठा? नहीं, सामान सारा उठवा देते हैं, सामान तो कुछ भी नहीं ले जाए, पर लेकिन हम भगते हैं, दौड़ते हैं, धूप में परेशान होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाए हम, सारी विधवा विधवा औरत है। लेकिन परिषद का पंजा भी चलता है तो सिर्फ गरीबों पर। शहर में ऐसे सैकड़ों की संख्या में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हैं, जहां कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं होती। अधिकारी चाहे कितना भी कहें कि समय समय पर कार्यवाही होती है, लेकिन हम कहते हैं कार्यवाही तो की जाती है, लेकिन गाज हमेशा इन्हीं गरीब और लाचार लोगों पर ही क्यों गिरती है, ये बड़ा सवाल है। मीटिंग में जो निर्णय लिया गया है कि आप अतिक्रमण शिशु चिकित्सालय, जनाना हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, राजीव गांधी हॉस्पिटल, इसके गेट के आगे से सारा अतिक्रमण हटाया जाए, एक अलग साहब के आगे मीटिंग में निर्णय लिया आज। क्या लगता है पूरे शहर में अतिक्रमण हो रहा है, वहाँ भी हटाओगे क्या? अतिक्रमण सारे शहर में हटा रहा हूँ, रोजाना हटा रहा हूँ। स्थाई वाला अतिक्रमण निर्माण शाखा से हटाता है, मैं स्थाई अतिक्रमण प्रभारी हूँ। क्या लगता है दोबारा से लगा लेते हैं हटाने के बाद? फिर दो चार दिन बाद फिर हटाऊंगा, दोबारा लगा लेंगे फिर हटाऊंगा, कार्रवाई रोजाना प्रचलित रहेगी। सामान जो जब्त किया है उसमें क्या प्रक्रिया रहेगी? सामान जब्त की प्रक्रिया, सामान बगैर कलेक्टर साहब के आदेश के मुताबिक नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी कह दे, जब तक कलेक्टर साहब आदेश नहीं देंगे, चाहे कोई आ जाओ, कलेक्टर साहब के बगैर आदेश के सामान जब्ती नहीं छोड़ा जाएगा।